हाथरस मामले पर सूबे के पूर्व सीएम और सांसद जगदम्बिका पाल ने R9 टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा है कि मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मामला चाहे हाथरस का हो या फिर किसी भी जिले का हो, योगी सरकार लगातार सही समय पर सही काम करती रहेगी। वर्तमान सांसद जगदम्बिका पाल सर, हाथरस का कांड देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक पत्ते खुलते जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में अब एक नया मामला सामने आया है। बाराबंकी के इशू की बात करूं, महिला लड़की के साथ गैंग रेप होता है और इसके बाद उसको तेजाब से जला दिया जाता है और फिर से वही चीज़ देखने के लिए मिलती है जिस तरीके से हाथरस में देखा गया कि उसके जो शव को बिना पिता की परमिशन के जो है जला दिया गया। आपने हाथरस में भी देखा कि अगर वो दुखद या दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो जिस तरह से उस पीड़िता परिवार को न्याय देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, इंसाफ देने का काम किया, शायद जिस तरह उनकी गिरफ्तारियां हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया कि 3 महीने में उनके खिलाफ उनको सजा देने का अंजाम तक पहुंचाया जाए, उस पीड़िता परिवार को 25 लाख रुपये की मदद की गई, हाथरस में एक आवास देने की बात कही गई, एक नौकरी की बात कही गई और पूरी सुरक्षा दिया है कि अंतिम संस्कार क्यों कर दिया जा रहा है। हाथरस का मैटर नहीं है, बाराबंकी का भी नया मुद्दा सामने आ गया। आपने देखा नहीं कि कितनी बड़ी दंगा फैलाने की साजिश थी PFI के लोग, जो पॉपुलर फ्रंट सो कॉल्ड है ऑफ इंडिया, किस तरह से 100 करोड़ की फंडिंग का था और 50 करोड़ की फंडिंग हो गई और जिस तरह का खुलासा हुआ है, आप खुद महसूस कर सकती हैं कि चाहे दिल्ली में शाहीन बाग को और इस तरह लेके जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो एक लगातार PFI हो या सिमी का बदला हुआ रूप हो, इस देश में ऐसी कुछ ताकतें हैं जो बाहर से फंडिंग ले करके और वो अस्थिरता फैलाना चाहती हैं, दंगा फैलाना चाहती हैं, लेकिन उनके मंसूबे ना हमारी केंद्र सरकार कामयाब होने देगी ना योगी आदित्यनाथ की। मुझे लगता है हाथरस मृतक पीड़िता के जो परिजन है वो बड़े परेशान हैं पुलिस से। प्रेस मिल रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग परिजन कह रहे घर वालों को मिलने की अनुमति नहीं दे रहे बाहर से आए हुए लोगों को। नहीं, किसको नहीं दी जा रही है अनुमति? तो हाईकोर्ट में मामला गया। अगर देखिए हाईकोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा है, आज हमारी सरकार उसमें एफिडेविट दे रही कि हमने पीड़िता परिवार को इंसाफ देने के लिए क्या क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, उनकी सुरक्षा के लिए हमने क्या किया है, और मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता इसलिए कि हम लोग पीड़िता परिवार के साथ हैं। भीम आर्मी के लोग आ जा रहे हैं, कहीं कुछ आ जा रहे हैं, तो उन्हें बयान नहीं बदलना चाहिए ना। आखिर CBI की जाँच तो इस देश में सबसे बड़ी जाँच है। को आप सुन रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करना जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट की कई बड़ी बॉडियां हैं जो कि इस मैटर को लेकर काम कर रही है और अब इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दूध का दूध अगर पानी का पानी देखना है तो ऐसे में हाथरस का मैटर भी इस वक्त बड़ा नजर आ रहा है। और वहीं अगर मैं बाराबंकी की बात करूँ तो एक मैटर और निकल के आता है जो कि हुबहू हाथरस जैसा ही होता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं भावना, R9 TV दिल्ली।